नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई प्रीतम, ये अचानक कहां गायब हो गए थे तुम? तुम यहां नहीं थे तो सुबह की सैर में कॉफी भी पीने को नहीं मिली। कहां चला गया था सर? कोई जमीन जायदाद हाथ लगी है क्या? हाँ साहब, ये खड़ी है। ये कौन है? दूर की एक रिश्तेदार है, एक माँ थी इसकी जो चल बसी। मुझे खबर मिली तो पता करने गया और ये बोझ लेकर वापस लौटा। क्रियाकर्म के बाद सब रिश्तेदार तो चलते बने। जब इसने कहा इसे कोई काम चाहिए तो मुझे याद आ गया आपको एक नौकरानी की जरूरत है। कौन जात है? अपनी जात की है। वो तो नजर आती है, लेकिन आंखों में शरारत की चमक भी है। वो तो इसलिए साहब कि आप इसे एक जज की नजर से देख रहे हैं। लड़की शरीफ है। वैसे आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सो तो है। ए लड़की, ठीक ठाक काम करोगे? अभी तो सर हिला रही है, एक बार काम शुरू किया तो रंग ढंग ही बदल जाएंगे। ये ऐसा नहीं करेगी सर, क्यों रही? घर हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, करने को काम बहुत है। एक गधा है यहां, उससे भी पूरा काम लो। बद्री भैया नजर नहीं आ रहे? बाजार गया है दोपहर का खाना लेने के लिए। ओ, रात के खाने तक शायद आ जाए। अरे हाँ, वो तुम्हारा दोस्त है ना, एक क्या नाम है उसका, छगन। हाँ, जो कुछ भी हो उससे कहना कि अगर वो मुझे कहीं नजर आ गया तो वो इस जगत में नहीं रहेगा। हाँ, इसको क्या तनख्वाह देनी है? जो आपके जी में आए सर। ए, जाओ अंदर। जाओ जाओ। प्रीतम जी, ये तुम्हारी कोई चाल है या उलझा हुआ केस? क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं जानता नहीं क्या ये अदालत है? हाँ, उसे भी ये बता दिया है ना? हाँ साहब। हाँ में कुछ गड़बड़ है। ये कितने? हाँ, 70,000 और 5,000। 70, 5, 75, टोटल रकम हुई 75,000। देखिए, हमारा एग्रीमेंट है कि लड़की मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा, बाकी का काम आपके आदमी करेंगे। अपने दो आदमियों को पिछवाड़े से भेज दो, जरा होशियारी से कहीं निकल ना जाए। और सुनो, अगर पकड़ लो तो जरा मेरे सामने लाना, मुझे तो लात मारनी है उसको। अरे भैया जाओ, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, खतरनाक प्राणी है। मिली? देखिए, वैसे उस खतरनाक प्राणी को पकड़ने के ये दाम कम है, काफी नहीं है? हाँ, और 4-5 लाख रुपए देता हूँ। भाई साहब, लड़की इधर ही रहती है ना? हाँ, क्यों? यही है ना? यही? इधर नहीं? अच्छा अच्छा, आओ जरा देखे। देखिए, मुझे थोड़ा सा जरूरी काम से जाना है। हाँ हाँ, काम है। अरे आओ, अरे आओ ना। अरे तुम शायद ये देखने के लिए आए हो कि मैं अब तक मरा हूं या नहीं। तो सुनो, मैं मरा नहीं और मरूंगा भी नहीं जब तक कि तुम ये नहीं बता देते कि तुमने उस पगली को कहां छुपाया है। मगर यार, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना यार, कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम क्या समझते हो, उन लोगों के हवाले उस पगली को करके सारा माल को हड़प कर जाओगे? तो याद रखना,
मैं जब तक जिंदा हूँ अपने जीते जी ये मुराद कभी पूरी नहीं होगी। अरे अरे ज्यादा मत छिलिए वरना हड्डी फिर से टूट जाएगी। ओ जी अब टूटने के लिए कुछ बचा है क्या जो टूट जाएगी? उन लोगों ने सारी हड्डियाँ तोड़ दी है, मुर्कस बना दिया यार। इतने जज्बाती मत बनो मेरे दोस्त। बनूंगा बनूंगा बनूंगा। तुम और वो पगली लड़की मेरे पैसों का खाना खाते रहे, मेरे पैसों के कपड़े पहनते रहे, मेरे पैसों के बल पर तुम उस लड़की के साथ इश्क की चौचे लड़ाते रहे, और इस सब के बावजूद तुम्हारी कमीनगी की वजह से मेरा हार्ट टूटा, तुम्हारी कमीनगी की वजह से मेरा सर फूटा, तुम्हारी कमीनगी की वजह से मेरी नाक से खून के लोथड़े बह बह कर जमीन को लाल कर गए, और तुम कहते हो इतना सब होने के बावजूद मुझे जज्बाती होने का हक नहीं है। देख जगन, मैं तुझसे कुछ सीधी सीधी बातें करने आया हूँ। जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। बड़ी खुशी हुई साहब ये जानकर कि आपको बहुत अफसोस है, लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, अब किसी समझौते की गुंजाइश नहीं है, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। अरे मेरी एक बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है। सिर्फ एक बात तो सुन। नहीं सुनना है, या तो इस पार या उस पार। प्लीज सुन यार। नहीं नहीं नहीं। ओके मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एक कहावत है, भैंस के आगे रोना और अपने नैन खोना। सुनी है तुमने? अगर सुनी हो तो मुझे इस कहावत की सच्चाई पर यकीन हो गया है। बस यही बताने आया था तुमसे मिलने। नहीं, गुड बाय। गुड बाय। जरा एक सेकंड, एक बात याद रखना कि मैं तुमको और उस लड़की को पाताल से भी ढूंढ के निकाल लूंगा, समझा? सुनिए, सुनाइए। एक बात पूछूं? पूछिए। तुम लोग झगड़ा करते थे यार, बातें करते थे, कुछ समझ में नहीं आया? नहीं नहीं, हम आपस में बहुत प्यार भरी बातें कर रहे थे। अरे समझ में नहीं आता तो यार ये तुम्हारा दर्द है, मेरा दर्द नहीं है। आपको इससे क्या मतलब है कि आप प्यार कर रहे थे कि झगड़ा कर रहे थे? जाके अपना अखबार पढ़िए वहां पे। क्या गया का वेनी बात तो चलना तो उनमें मैं ये क्या है? मुर्गा करी साहेब। ईका। ये मुर्गा साहब उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए खाने से पहले इन्हें प्रणाम कर रहा हूं। तुम मेरा पैसा बर्बाद करने पर तुले हुए हो। और कुछ खाने के लिए है तो लाओ। लाए रहे, लाए रहे हैं। ये क्या है? मछली करी। मछली? हाँ। एक लाठी मिलेगी? जरूर मिलेगी लाठी, परंतु मालिक ये लाठी किस वास्ते? लाठी से पहले मछली को मारूंगा और फिर खाऊंगा। लगता है कि सीधा नदी से पकड़कर यहाँ ले आए हो। ना नमक ना मिर्च। नमक लाते हैं? ए, रुको। एक काम करो, इस टेबल पर कुछ पतीले लाकर रखो, उनमें नमक मिर्च मसाला हल्दी जीरा, मुझे जो चाहिए होगा मैं मछली के ऊपर लगाकर खुद खा लूंगा। कल से ऐसे ही करेंगे मालिक। ओफो, ओफो। मेरी ही गलती है जो तुम जैसे गधे को पाल कर रखा हुआ है मैंने यहाँ। ये प्लेट धोई थी क्या? धोई थी। ठंडे पानी से? नहीं, गर्मा गर्म खौलते पानी से। गर्म पानी से धोने के लिए किसने कहा था तुम्हें? अब सच बोले थे मालिक, ठंडे ही पानी से धोई थी हमने। तो फिर पहले क्यों नहीं कहा? पहले आपने पूछा नहीं? इडियट। ठीक है इडियट। अब यहाँ क्यों खड़े हो? रसोई में तुम्हारे लिए खाना नहीं है क्या? है ना, है ना। तो फिर यहाँ खड़े होकर राल टपकाए मेरे खाने को नजर क्यों लगा रहे हो? मेरे पेट में दर्द करना क्या? नहीं, बीमार करना मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से। हे भगवान, हो रहे हैं दफा, हो रहे हैं दफा। निकबा की हुआ भूखल भी नहीं आता हो यार। सलाम। प्रीतम कितने? क्या? ओ मैं क्या? प्रीतम कितने? बात मत करो उस पागल की। तुम मेरे पागल क्या? हाँ। नहीं नहीं नहीं, पागल वो दुश्मन, दुश्मन, दुश्मन। तू मेनू दुश्मन भी क्या? प्रीतम ने मेरे बंदिया नु कुटिया। तू दस वो कितने? नहीं तो मैं तेरे हट कट देने ने। आ, 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 आ,
काट दो काट दो काट दो उसके हाथ तो दस खाते थे पत्थर। अरे यार ये क्या दस ग्यारह बारह कर रहा है? ओ बेवकूफ इस सांड को समझाओ कि मैं इसकी भाषा नहीं समझता हूँ, मुझे मालूम नहीं प्रीतम कहाँ है। आज खाते थे पुत्र तू खान नु सा क्या हां साहब चंगी तरह मारो अनु आने मुझे बेवकूफ क्या कैसे बात करूं उनसे? सुबह बिस्तर से जब पिताजी उठते हैं तब से वो बद्री उनके साथ दुम की तरह चिपका रहता है। एक रास्ता है, बद्री लॉटरी के टिकट खरीदता रहता है, उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता। अगली बार जब वो लॉटरी के टिकट खरीदेगा तो उसका नंबर मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम्हें सिर्फ अखबार पढ़कर उसे यकीन दिला देना है कि पहला इनाम उसका है, बस फिर वो खुद ही भाग खड़ा होगा। कौन है? भालू नहीं, बिल्ली बिल्ली। बद्री भैया इस बार कंचनजंगा लॉटरी का टिकट खरीदोगे तो 10 लाख रुपया और एक कार मिलेगी, ले लो। अरे ससुर तू हमेशा बड़ी बड़ी हाकत है। अरे कंचनजंगा तो क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का टिकट खरीद लिया, आज तक तो रहेगा नहीं, चल ला दे दे। बद्री भैया जरा अपने लॉटरी का टिकट तो दिखाना। क्यों? अरे दिखाओ ना। ओ हो 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 निकल पड़ी बद्री भैया आपकी तो निकल पड़ी। अब की बार ये लॉटरी का टिकट आपको जरूर लगने वाला है। कल रात मैंने नंबर सपने में देखा था। अरे ऐसे सपने तो हम पिछले 15 साल से देख रहा हूँ। सपना देखा तो बद्री भैया भगवान पर विश्वास रखो। बद्री भैया कंचनजंगा लॉटरी के रिजल्ट छपे हैं। अरे ये तो हम भूल ही गए थे, कंचनजंगा। ए सूर्य देवता अब तो कंचनजंगा लगवाए दो, नहीं तो जाओ हिमालय के उस पार, बहुत हुई गवाह। कहाँ छपा है छापे में? पढ़। हाँ, पहला इनाम 10 लाख रुपए और एक एम्बेसडर कार। अरे ये सुन सुन के कान पक गया, आगे पढ़। पहला इनाम का नंबर के, के का बहुत टिकट होता है, आगे एल। हाँ एल एल, आगे पढ़। दो दो आठ आठ चार चार, आगे पढ़। चार आगे पढ़। पांच पांच, आगे पढ़। यहाँ तक ठीक है? सोलह नहीं ठीक है, आगे पढ़। सात सात, आगे पढ़। तीन तीन, आगे पढ़। एक क्या बोली? एक हमरा तो मेरा पार हो गया बेटा। आइए ए, अरे ए, कौन है? अरे किधर देख रहा है, बहरा हो गया है ससुरे। हम तुझको पुकार रहा हूँ, इधर देख इधर देख इधर देख। कोट पतलून पहन कर, सर पे टोपा लगा कर, मुंह में जलता डंडी ठूस कर, भक भक धुआं उड़ा कर, पुराना खटारा गाड़ी में बैठ कर, तू अंग्रेजी साहब नहीं बन सका है रे। अरे आज ठीक करके रख दूंगा तुझको जंगली भैंस से। सुप्रीम कोर्ट से लेकर आज तक तू हमरे बाप को गाली देता रहा, हम बर्दाश्त किए, कारण कोई चारा नहीं था ना। चार पैसे किसी भिकमंगे के पास आ जाए ना तो वो भी किसी गरीब के बाप को गाली दे सकता है। अरे 35 साल तू हमको जो गाली दिया ना, आज सूद समेत तुझको लौटा रहा हूँ। चुप कर उल्लू के पट्टे। अरे खबरदार जो गाली दिया बचवा, उल्टा झापड़ से खुपड़िया घुमा के रख देंगे। हमारा नाम भी बद्री प्रसाद चौरसिया है। तू क्या समझता रहा कि सारी जिंदगी यहाँ पड़ा तेरा तलवा चाटता रहूंगा? हाँ अपना बड़ा सा बनाऊंगा बंगला और वहाँ नौकर रखूंगा और तुझको वहाँ बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि नौकरन के साथ कैसे सुलूक किया जाता है। अब तू सोच रहा होगा कि तूने सांप को दूध पिलाया। हाँ सांप ही को दूध पिलाया है, न जाने कितने लोगन को फांसी के फंदे पे लटका दिया तूने यमदूत। हम जा रहा हूँ और हमरे जाने के बाद तू जमीन के ऊपर नाक रगड़ रगड़ के लिखेगा आ आ ई ई ऊ ऊ। और ये सब देखने के लिए हम अपनी कार में बैठ कर आऊंगा। किसकी कार में बैठ कर आऊंगा? अपनी कार में बैठ कर आऊंगा। और ये सब
हम अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ टकलू। Shut up, you bastard! अरे भाड़ में जा मुछड़ दंग, हिम्मत है तो बाहर निकल के आ। तेरी तो गधेया की दुम, तेरे को ठीक करके रख दूंगा। तेरी तो भैंस का, नहीं वो हम नहीं बोलेंगे, तेरे मुंह में भैंस का गोबर। ठहर गुस्ताख, तुझे भी बताता हूँ। अंदर रुक जा, हराम खोर। टकलू, चलो बद्री गया बद्रीनाथ की यात्रा करने। तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो गया, अब इस शैतान के मुंह में रुपया डालो और दुआ मांगो कि जल्दी तुम्हारा बाप तुम्हें बेटी कह दे। ये है क्या? इसके नीचे शैतानों का किला है। अच्छा, इसके मुंह में पैसा डालोगे तो शैतान खुश होकर हमें आशीर्वाद देंगे। लेकिन याद रखो, बिना पैसे कभी हाथ मत डालना, वरना यह हाथ चबा जाता है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तुम ठीक कहती हो, मानता तो मैं भी नहीं, लेकिन आज आजमा कर देख ही लेते हैं। ठीक है, क्यों शैतान जी, क्या हुआ? लोग खाम खा की गप मारते हैं। ऐसा मजाक अच्छा नहीं। इसमें हंसने की क्या बात है? अच्छा बाबा, गुस्सा मत हो। डर के मारे मेरी जान चली जाती। इसका मतलब है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें बहुत दुख होगा, है ना? तुम्हें कुछ भी हो, मुझे कोई दुख नहीं होने वाला। बंदा नवाज, इज्जत नवाज, आली जनाब।
थी। पिताजी रात में गप्पे लड़ाने को। कैसी कैसी किताबें लिखते हैं लोग डराने के लिए। कब से बैठा इंतजार कर रहा हूं खाना रखने के लिए तुम्हारी आरती उतारूं? ये सब पहले नहीं रख सकती थी। ओ, बहुत भारी है। इसे पहले प्लेट के साथ नहीं ला सकती थी। ए, जवाब क्यों नहीं देती? मुंह में जबान नहीं है क्या? भूमि है। सेब। वो तो मैं देख रहा हूँ, बाकी चीजें एक एक करके आएंगी। आज खाने में बस यही है। यो, खाना नहीं बनाया? नहीं, ये खाओ और पानी पी लो। चाहिए तो दो सेब और भी हैं। वो अपने बाप को दे देना, बदतमीजी की कोई हद होती है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं रखा हुआ कि जो तुम्हारी मर्जी हो करो। वैसे भी यहाँ कोई पहाड़ नहीं उठाने पड़ते तुम्हें। पहाड़ उठाना ज्यादा आसान काम है। जुबान चलाती हो? चुप रहती हो तो कहते हो मुँह में जुबान नहीं है, गूंगी हूँ। बोलती हो तो कहते हो जबान चलाती हूँ। ये सब क्या है? मुझे ढंग से कोई काम भी नहीं करने दिया जाता। बेवकूफ की बच्ची, तुम्हें काम करने के लिए किसने रोका है यहाँ? खबरदार जो मुझे गाली दी तुम। तो क्या तुझे देवी जी कहूँ? ए, तू यहाँ नौकरानी है, मेरी बेटी नहीं। मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ। बद्री! वो भाग गया तंगा के पागलखाने से। ए, रुक जा। मैं पूछता हूँ तूने खाना क्यों नहीं बनाया? सुबह जब मैं खाना बनाने वाली थी तब आपने कहा पानी गरम करो। तो पानी तो गरम तुमने किया नहीं, मुझे ठंडे पानी से ही नहाना पड़ा। वो करने ही वाली थी तब आपने कहा बाजार जाके सौदा ले आओ। तो लाई? नहीं, तब आपने कहा पूरे घर की सफाई करके ही जाना। घर की सफाई तो अभी तक हुई नहीं। सफाई करने ही वाली थी तो आपने कहा खाना लगाओ। धुले हुए चावल पड़े हैं, कहीं तो वो लगा दो। कच्चे चावल खिलाओगी? ये जाकर अपने बाप से कहना। बाप से ही कह रही हूँ। अगर आप एक घंटा चुपचाप बैठे तो मैं खाना बना देती हूँ। नहीं चाहिए मुझे, एक वक्त नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। ए, वो सेब यहां पड़ा था कहां गया? ए, सुनाई नहीं देता मैं क्या पूछ रहा हूं। वो सेब कहां गया? मैं खा गई। खा गई? अब समझा, अपना पेट तो वक्त पे भर लेती हो, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर अंदर से दो सेब लेकर आओ। सेब है तो सेब ही सही, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वो भी मैंने खा लिए। वो भी तुमने खा लिए? तो मैं क्या खाऊंगा?
एक वक्त नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। मुझे तो एक ही डर है, वो लड़की कहीं उनके पास न पहुंच जाए। मैं कह देती हूँ, ये तो सरासर जुल्म है। नंदी भी मेरी तरह उनकी बेटी है। माँ, इसी झगड़े से तंग आकर पिताजी ने घर छोड़ा है। अब तुम और क्या चाहती हो? माँ पर तोहमत लगाकर बड़ा बनने की कोशिश मत करो। तुम चुप रहो, तुम क्या जानते हो? पिताजी की दौलत उड़ाने के सिवा तुम्हें आता क्या है? तुम्हारा बाप जज था, ये कानूनी बातें तुम उनको जाके सुनाओ। अगर मैं उनके कमाई पर जिंदा हूँ तो मुफ्त में नहीं मैडम रुक्मिणी, ये कीमत है तुम जैसी लंगड़ी लड़की का बोझ उठाने के लिए, और ये बात तुम अपने ध्यान में रखना। घटिया बातें मत करो केसी, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि उनसे मिलने से पहले ही उस लड़की को पकड़ लें। लेकिन यहाँ तो हम एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालने पर तुले हुए हैं। मैं कहती हूँ अगर वो लड़की वहाँ तक पहुँच गई तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। और अगर ये पता चल गया कि वो डैड की बेटी है तो फिर वहाँ के लोग भी उसके साथ हो जाएंगे। हाँ हाँ, ये बात सच है, अमीरों को गिरते हुए देखकर एक आम आदमी को दिली खुशी होती है। आदमी को सुख चैन सोकर मिलता है, तू मुझे इस घर में सोने भी नहीं देती। ये टूटा फूटा बाजा यहाँ पड़ा पड़ा सड़ रहा है, मैं इसे बजाने की कोशिश कर रही थी। नहीं बेवकूफ, तू इस घर में जो काम करने के लिए आई है वही कर। झाड़ू कटका साफ सफाई घर में करने के लिए हजारों काम है। सारा कामकाज खत्म करके आई हूँ। तो फिर पर्दे चादरे गुलाब वो जाके धो। वो तो धोबन का काम है। देख, धोबन को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तू तीन तीन बार खाना यहाँ ठोस ठोस कर खाती है, कपड़े नहीं धो सकती? जा जाकर कपड़े धो। बाप का पियानो समझ रखा है? मुसीबत नहीं की ए बेवकूफ, रुक जा। तू मुझे जानबूझकर तंग कर रही है? हाँ, मैं तुझे एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जा यहाँ से, मैं कहता हूँ फौरन निकल जा इसी वक्त। तुम कहोगे तो मैं चली जाऊंगी क्या? क्यों, तुझे प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी चाहिए क्या? मुझे तुम्हारी फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। जो मुझे यहाँ लेकर आया था उसे बुलाकर लाओ, तो मैं जाऊंगी। ओहो, तो ये बात है? हाँ हाँ, यही बात है। ठीक है, मैं उस गधे को अभी लेकर आता हूँ, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुझे एक मिनट भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। पंडित जी, मसाले वाली चाय दे। पंडित जी। ओ जस साहब, आइए आइए, प्रणाम प्रणाम। तुम्हें पता है कि वो बदमाश प्रीतम कहाँ है? तीन दिन से दिखा नहीं वो। अगर वो लुच्चा लफंगा कहीं नजर आए तो उससे कहना कि मुझे घर पर आकर मिले, फ्रॉड नहीं का। जज साहब, कोई समस्या है? जूतों से उसकी पिटाई करूंगा और मैं उसे जान से। हाँ, अरे प्रीतम, बात क्या है? लगता है मेरी पिटाई होने वाली है। ऐसी बात है? हाँ। बुड्ढा मुझे क्यों ढूंढ रहा था? मैं क्या जानू? देखो, झूठ मत बोलो, मुझे पता चला है वो मुझे पीटना चाहता है, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। सच बताओ, हुआ क्या? हम दोनों के बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ, इसलिए वो तुम्हें ढूंढ रहे थे ताकि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। ये कैसी उलझन खड़ी कर दी तुमने? मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया था? उसे झगड़ा करने के लिए या उसके नजदीक आने के लिए? मैं क्या करूं, मैंने चारों हथियार आजमा लिए, वो तो बहुत ही ऊंधी खोपड़ी के हैं। अपने बाप के बारे में ऐसा कह रही हो? कैसे ना कहूं, वो एक के बाद दूसरा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, मैं कितना भी बचने की कोशिश करूं वो लपेट में ले ही लेते हैं। ठीक है, मैं एक दो दिन के लिए गायब हो जाता हूँ। हाँ। तब तक तुम अपना झगड़ा निपटा कर उसे दोस्ती कर लो। ठीक है। आदमी दिल का बुरा नहीं है, सिर्फ बड़ी मूछों की वजह से डरावना लगता है। घबराओ नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी।
कौन है? आपके चेहरे पर ही है। मैं पूछ रहा हूँ कि इस मूछ का बाकी हिस्सा कहाँ गया? मैं क्या जानू, शायद कोई कॉकरोच खा गया होगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि किस कॉकरोच ने खाई है। कुछ भी कहो, अब आप बहुत सुंदर लगते हो। जब वो दोनों चोंचे सींग की तरह निकले हुए थे ना, तब आप जंगली भैंसा लगते थे, अब ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी दिन तुम्हें मेरा थोबड़ा ठीक नहीं लगा तो सोते में मेरी गर्दन ही काट दोगी। बदमाशी की भी कोई हद होती है। तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, वरना तुम्हें एक छापड़ देता और चुटिया से पकड़कर धोबी पटड़ा मारकर उबलते पानी में से निकालकर तौलिए की तरह निचोड़कर उस पर केरोसिन छिड़ककर आग लगाकर तुम्हारे 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मैंने तुझे यहां से नहीं निकाल दिया ना, तो मेरा नाम भी जस्टिस गोपीचंद वर्मा नहीं, गधे की बच्ची साली कॉकरोच कहेगी। हाँ बस रोक ले। अबे रोक ना, पानी में ले जाएगा क्या? हाँ बस। क्यों भाई, कितना किराया हुआ? 20 रुपए। घोड़ा गाड़ी की कीमत नहीं पूछी, इससे सस्ता तो हॉस्पिटल में था। ये ले। अबे ये दफा हो जा। क्या साहब, इतने में तो घोड़े का चारा भी नहीं आएगा। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। अरे जगन, ए रुक जाओ। नहीं रुकूंगा। अरे रुक जाओ। मुझे गायब है लेकिन मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। अरे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है लेकिन तुम्हें फोटो की है। अरे रुक जाओ, सुनो तो। नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। अरे प्रीतम कहाँ है? वो गया बाहर में, लेकिन एक बात समझ में आ गई है, उसने तुम्हें भेजा है। मेरी जान के पीछे पड़ गया है कपकत। अरे मुझे मालूम है पीछे तुम हो। ए रुक जा, रुक जा। क्या कर रही है? ये नहाने के लिए गर्म पानी है। नीचे रख, रख नीचे रख। आइंदा इस घर की किसी चीज को छूना मत। मैं सब समझता हूँ। वो बदमाश यहाँ से गायब हो गया है। जब तक वो वापस ना आ जाए तुझे एक बूंद पानी नहीं मिलेगा इस घर में। तू भूखी प्यासी इधर उधर भटकती फिरेगी। तू क्या समझती है मुझे बेवकूफ बना सकती है? मैं तुझसे हारने वाला नहीं हूँ। मैं हजा मुझे छू मत। अरे खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही है? कुछ कर। क्या मैं छू सकती हूँ? हाँ, अब तू मुझे छू सकती है।